हेलो मिस्टर बंदर। हाँ गुड मॉर्निंग। जय गुड मॉर्निंग, अरे हंस दे भाई। ओए गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह उठेगा ना, जब हंस कर उठेगा हमेशा। आज तो हंस रहा था ऊपर की, मजा खूब हंसा है। गुड मॉर्निंग। अभी भाई उस मूड में नहीं है हंसने के, गेट बंद कर देता हूँ क्योंकि मम्मी बंद तो है यार गेट। हाँ तो फिर हवा आ रही है तेज। यस आपने दोबारा कही थी इसलिए। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होगे, मजे कर रहे होगे। भाई मौसम देख लो पहले तो बाहर का, ठीक है। इतनी ज़्यादा खतरनाक ठंड कि यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ धुआंधार तरीके से। क्या हो रहा है ये, मतलब वो है फोग की वजह से ओस जम रही है। गाइस दिल्ली की इस कड़कती ठंड में हमारा आज पहला दिन है, क्योंकि जब हम पिछले हफ्ते भर से 7-8 दिन से गोवा में थे और वहाँ गर्मी थी। वहाँ ये हमारा हीरो सैंडो सैंडो में घूम रहा था अपना मस्त का चड्डी सी बना, मतलब अलग अलग तरह के कपड़े इसके हम लेके गए थे फ्लाइट तक में। मैं तुम्हें इसकी क्लिप दिखाता हूँ, छोटी सी डालता हूँ उसमें उसमें ये कैसे आया है। DGCA के निर्देश अनुसार विमान में मदिरा पीना और धूम्रपान वस्तुओं जैसे सिगरेट्स। तो इसने हमें ज्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन फिर भी इसे पूरी अटेंशन चाहिए थी, जिसकी वजह से हम शूट वूट कुछ नहीं कर पाए। मतलब मैंने सोचा था मैं कि शूट करूंगा फ्लाइट में कैसे क्या, भाई गोवा में कैसे घूम रहा है, पर भाई साहब ये समझ लो इसे चाहिए कि अब थोड़ा सा बड़ा होगा ना तो इसे चाहिए बात करो, मेरे से बात करो जितना ज्यादा हो सके। हाँ भाई बात करनी है, बात करनी है। और इसे ना ऐसी ऐसी आवाजें, मतलब जैसे कुछ, जैसे मान लो रो रहा हो ना इसके साथ, ऐसा कर दो तो फिर चुप हो जाएगा। बताना क्या अलग ही सीन है, पर हाँ कुछ कुछ चलता रहता है, सही टाइम पास है, मतलब मजेदार हो है, कोई खिलौना सा है। चलो भाई तुम्हें एक बार मतलब इस मौसम में बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, पर फिर भी एक बार कुछ काम है, एक दो भाइयों से मिलकर आना है और कुछ छोटा मोटा काम है वो निपटाता हूँ, उसके बाद आके मिलता हूँ। गाइस देखो ठंड इतनी पड़ रही है, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तुम्हें पता है मैं तो वैसे भी गर्म जगह से आया हूँ, बिल्कुल ठंड में बाहर जाने का मन नहीं था, लेकिन जाना पड़ता है काम धंधों के चक्कर में। लेकिन तुम अगर घर बैठे एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहते हो तो ट्रेड करो बिनोमो पे जाके। कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो भाई मैंने ये ऊपर की तरफ दबाया और अब बस मेरे को वेट करना है कि मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जाए बस। जा रहा है और लो मेरा ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। अब इस अमाउंट को आप बिना एक्स्ट्रा फी दिए डायरेक्टली अपने अकाउंट में डाल सकते हो। बिनोमो पे आपको मिलेगा इजी डिपॉजिट और बिगिनर्स के लिए $10,000 का फ्री डेमो अकाउंट। तो मेरा प्रोमो कोड यूज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके डाउनलोड करो और मौज उड़ाओ। चलो फिलहाल इस कड़कती ठंड का मजा ले आते हैं। भाई ऐसे ही मैं भी सोच रहा था कुछ कान पे ढक लूं, पर मैंने ढका नहीं यार, स्टाइल भी तो जरूरी है, हमारी एज में ये भी तो दिक्कत है। वो तो शुक्र है गाड़ी है, वरना पुराने दिन जब मैं जॉब करता था, मतलब आज से 6 साल पहले बाइक थी, और भाई पता कैसे 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 ठंड से बचता था मैं। तो मैं अपनी पूरी कहानी सुना दूँ क्या? चलो सुनाऊँगा, थोड़ी देर में सुनाऊँगा अपना पूरा किस्सा, बताऊँगा कि मैं कैसे मैंने अपनी YouTube जर्नी स्टार्ट करी और पूरा मतलब यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा मेरा बचपन से लेकर आज तक का। तो मैं बताऊँगा कि मैं कैसे, साइकिल तो मेरे को याद नहीं, साइकिल भी थी, साइकिल से स्प्लेंडर से ऑल्टो, मतलब मैंने तो चलाई भी नहीं, वो कैमरा ही बंद हो गया था क्योंकि वो गाड़ी से कनेक्ट हुआ ना। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि ऑल्टो तो मैंने चलाई नहीं अपनी, लेकिन मैंने सबसे पहले गाड़ी जो चलाई थी वो चलाई थी मैंने वरना, ठीक है। वरना थी हमारे पास रेड कलर, वो मतलब रेड वो मरून सा कलर जो होता है वही, मतलब ठीक है समझ जाओ जो भी है, वो वाले कलर की वरना थी। और भाई मैंने वो पहली गाड़ी वही ठोकी थी भयंकर तरीके से, जो मतलब ये समझ लो एक ट्रक ऐसे जा रहा था और मैंने मेरी गाड़ी में गाना चल रहा था वो असी जिते जावांगे गड्डी मोड़, मैंने सोचा आज तो ओवरटेक करूंगा। जतिन साइड में बैठा था, मैं इधर था। जब उस टाइम पे जतिन को कम चलानी आती थी और मेरे को थोड़ी ज़्यादा आती थी, लेकिन जिस दिन मैंने वो ठोकी उसके बाद मतलब ऐसा ट्रक जा रहा था इधर से रॉन्ग साइड आ रहा था, ट्रैक्टर भरा हुआ वो जिसमें तूड़ा उड़ा भर के नहीं आता, वो तो वो भर के आ रहा था, और भाई मैंने सोचा ओवरटेक करूंगा, दोनों के बीच में घुसा दी इधर साइड से, पीछे का हिस्सा मतलब ये वाली सीट बच गई, इसके बाद का सारा हिस्सा खत्म हो गया था, ऐसा सीन था। फिर उसके बाद मेरे से तो चली नहीं गाड़ी, मैंने ठोक के साइड में खड़ी कर दी। तो फिर जतिन कह रहा अब, मैंने कहा अब क्या, और नहीं जतिन कह रहा मेरे से कि इसके ट्रक वाले पीछे लगा इसको रोक, मैंने कहा अरे यार अब क्या रोकना मेरी हालत खराब हो गई, मैंने कहा अब क्या रोकना, अब तो गया वो, कह रहा ये जादू रहा ये सामने सामने रोक इसे पकड़ इससे पैसे लेंगे ये है वो, मतलब गाड़ी ठोकने के, मतलब गलती मेरी थी, पर वो होता ना कि पकड़ तो सही एक बार, पर मैंने पकड़ा वकड़ा कुछ, मैंने कहा जान दे यार बेचारा, जब गलती ही सारी मेरी है तो फिर किसी को क्या परेशान करना। फिर भाई
उसके बाद जतिन घर लेकर गया गाड़ी को, और घर जाके पापा से उसने खाया थप्पड़, क्योंकि उस टाइम वो था ड्राइवर सीट पे, एक ही थप्पड़ मारता बस उसको, मेरे को तो आज तक लगा ही ना, मैं पिटाई नहीं आज तक यार। चलो एक बार मैं विनय भाई से मिलाता हूँ, क्योंकि एक बार छोटा सा कुछ काम है उसके चक्कर में एक बार मिला हूँ, उसके बाद तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ बैठ के, पूरा किस्सा मजेदार, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा भाई। बहुत दिनों के बाद तुम ये समझ लो मैं ऐसे बिना नहाए कहीं बाहर जा रहा हूँ, मतलब बिना थोड़ा सा तैयार हुए या इतना बुरा बन के, वो भी बस ये समझ लो कि भाई काम था, ऊपर से ठंड कुछ ज्यादा है, वरना मैं नहा लेता, पर ठंड ज्यादा है और मैं पानी तो गर्म कर लिया था, मैंने सोच भी लिया था कि नहाऊंगा, गर्म पानी कर लिया था, ठीक है सब कुछ ओके हो गया था, फिर ना मैं जब बाथरूम में जैसे घुसा ना तो भाई ठंडा हो रहा था पूरा बाथरूम, फिर मैंने सोचा बाथरूम के अंदर हीटर लगा दूं अभी थोड़ी देर के लिए, पर मेरे को फिर शर्म आ गई, मैंने कहा ऐसे कौन करता है यार कि बाथरूम के अंदर हीटर लगाओ फिर उसे गर्म करो फिर गर्म पानी से नहाओ फिर वो हीटर बाहर लगाओ फिर बाहर, मैंने कहा रहने देता हूँ कोई बात नहीं, घर मतलब ये काम निपटा के थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा ना उसके बाद फिर घर आके वापस तब नहा लूँगा, वैसे भी क्या ही करना है कहाँ जाना है, देखो इसके अंदर शर्ट पहन कर घूम रहा हूँ, इसको इधर छुपा के ठीक है बस अपना सेट है भाई। रोड देख लो तुम यहाँ के, अपना काम निपटा के अपना घर वापस चल दिया हूँ मैं तो, लेकिन रोड देखो तो भीड़ है इतने, ऊपर से ये भाई साहब देखो कैसे है। हमारा जो ये घर है ना जहाँ भी हम रह रहे हैं, यहाँ रहने का ये फायदा है, एक तो थोड़ा सा पॉल्यूशन थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली, जो गुड़गांव के तुम बीच में जाओगे बिल्कुल जो मतलब वो एम्बियंस वाली साइड वहाँ, या फिर वैसे राजीव चौक वाली साइड जाओगे, और दूसरा यहाँ पे ट्रैफिक कम मिलता है, इस चीज़ का सुख है, वरना तो ट्रैफिक में ही निकल जाती जिंदगी। तो गाइस मैं घर पे आ गया था, अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो मैं सुबह तुम्हें अपना लाइफ का किस्सा बता रहा था कि आज की डेट में तुम लोग देखते हो जैसे भाई कभी फॉर्च्यूनर में घूम रहा लड़का, कभी स्कॉर्पियो में घूम रहा, कभी कुछ है ना, वो चलता रहता है सारी चीज़ें, लेकिन क्या चीज़ें पहले ऐसे थी, बिल्कुल भी नहीं थी। जो लोग शुरू से मतलब मेरे को जानते हैं उन्हें तो पता ही है, तुम लोगों ने मतलब जो YouTube वाले लोग हैं उन्होंने मेरे को मेरी जो जर्नी थी वो देखी होगी, शुरू में मेरे पास वैगनार थी, मतलब पहले तो स्विफ्ट थी, फिर स्विफ्ट से एक वैगनार भी हो गई, दो गाड़ियाँ हो गई थी है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आगे गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेते रहे, वो सारी चीज़ थी। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता था भाई, जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, ठीक है मेरे कॉलेज होते ही, एक तो मेरी जो मेरी बीटेक थी वो 4 साल में होती है ना सबकी, वो मेरी हुई 7 साल में, 7 में कैसे हुई, मेरा सिर्फ मैथ्स में वो था हार्ट टाइट, मतलब मेरा मैथ में हार्ट टाइट नहीं था, मैथ में मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन 12th के बाद ना ये आते हैं ना साइन थीटा कोस थीटा, ये ऐसे तैसे कर देते हैं इंसान की, तो ये आए थे मेरे 11th 12th में भी आए थे, पर कॉलेज में जाके पूरी तरह से ये आ गए थे, इन्होंने अपना विकसित रूप ले लिया था, और जब से इन्होंने अपना विकसित रूप लिया उसके बाद मेरी हो गई हालत टाइट। तो मेरी बीटेक में टोटल 3 मैथ थे, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में और थर्ड में, 3 सेमेस्टर में मैथ था मेरा, तीनों में फेल हो गया। तो उनका ऐसा होता है चांस मिलते हैं 4-4 बार या पता नहीं कितनी बार चांस मिलते हैं, तो मेरे को वो सारे चांस मिलते रहे और वो सारे मेरे को मिले 7 साल तक, मतलब 4 साल की तो बीटेक, उसके बाद 3 साल और एक्स्ट्रा मिलते हैं चांस, तो वो 3 साल भी लगा के मैंने तीनों मैथ अपनी क्लियर कर दी, ठीक है, मतलब मैं अब बीटेक पास हूँ, मतलब वैसे हाफ इंजीनियर नहीं हूँ फुल इंजीनियर हूँ, पर वो नाम मैंने उस टाइम पर रख दिया था क्योंकि मेरी हिम्मत हार चुका था कि मैथ कभी टूटेगी, तो मैंने हाफ इंजीनियर रख दिया था चैनल का नाम, तो वो तब से पड़ गया। ठीक है भाई ये सब कुछ हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मेरा 4 साल में जब कॉलेज कंप्लीट हो गया था ना, ऑल दो मेरी री थी, मतलब मैथ्स में मैं तीनों मैथ्स में फेल था, कंपार्टमेंट री कुछ भी बोल दो, सप्ली बोल कुछ भी बोल दो, उसके बावजूद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, मतलब कॉलेज में से ही मेरे को नौकरी मिल गई थी और मैं चला गया था पुणे, मतलब ये समझ 2016 की बात है, ठीक है मैं पुणे चला गया था, मैं और मेरा एक दोस्त लोकेश, हम दोनों चले गए भाई पुणे, हम वहाँ गए, एक कंपनी थी पता नहीं कौन सी थी यार, क्या नाम था कोई थी, उसमें हमारा प्लेसमेंट हो गया। तो हम जब वहाँ गए तो हमने सारा अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दे दिए यहाँ पे, मतलब कपड़ा शॉपिंग वोपिंग करके ले गए सब कुछ बढ़िया तरीके से, मम्मी फुल इमोशनल और भाई चले गए जैसे तैसे करके कि ठीक है नौकरी करने जा रहे हैं बाहर, ठीक है वैसे वाला सीन हो गया। वहाँ जब गए सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए, फिर उन्होंने क्या करा, वो ना रहने के लिए भी कमरा वमरा उन्हीं की साइड से दे रहे थे, मतलब वो देना ही था उन्हें। तो हम जब वहाँ गए कमरा उन्होंने दिया, तो वहाँ पे और भी लोग रह रहे थे, तो हमने जैसे अपना सामान रखा ही था, इतने में ना कोई एक बाहर से एक बंदा आया कि पता नहीं जो भी उसका नाम था कि वो कहाँ है, रोहित कहाँ है मान लो है ना, कि रोहित कहाँ है, तो जो और लड़के थे उन्होंने बता दिया उस कमरे में, तो वो उसके कमरे में गया और जाते ही उसको थप्पड़ मारे 10-12 थप्पड़ मारे लगातार। तो कह रहा सर क्या हो गया, कह रहा साले आया क्यों नहीं, छुट्टी किस बात के लिए रखी तूने, तो वो कह रहा सर तबीयत खराब हो रखी थी, बुखार सा लग रहा है, कह रहा बुखार तो तेरे को 2 दिन पहले भी लग रहा था, ऐसा छुट्टी लेगा ये है, मतलब उसे मारा। अब पता नहीं वो सच में झूठ बोल रहा था या झूठ भी बोल रहा था, तो छुट्टी ली मारने का तो कोई पॉइंट होना नहीं चाहिए था। अब ये चीज़ देख के हमारी हालत ख़राब हो गई, मैंने कहा यार ये बाहर देश आके तुम ऐसे करोगे, कोई कल को हमारे कमरे पर आके हमें मारे तो गलत हो जाएगा, वो चीज़ तो गलत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इस चक्कर में फिर हमने डिसाइड करा कि अपना सामान जो अभी रखा था वो उठाते हैं और निकलते हैं। वो सामान हमने लिया भाई, हमने रात को करा होटल, और अगले दिन अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे ना वहाँ, वो सब वापस लेके कि सर घर से फ़ोन आ गया, घर वाले नहीं मान रहे, हम तो जा रहे हैं।
वो नौकरी छोड़ के 3-4 दिन अपना पुणे में था कि ये तो 3-4 दिन पुणे घूमे मस्त और उसके बाद अपना घर आ गए। फिर उसके बाद मैं यहीं अपना नौकरी वोकरी करी मैंने 1.5 साल। तो जब तक वो 1.5 साल मैंने नौकरी करी ना तब तक मैं बाइक पर जाता था, और क्या नाम है जो ठंड का टाइम होता था ना मेरे को अभी भी अच्छी तरह याद है। इसमें मैं क्या करता भाई, जो ट्रक चलते हैं ना रोड पे या कोई भी बड़ी गाड़ी जो भी है तो वो उनके ना अंदर से हीट बहुत ज़्यादा आती है, जैसे वो गर्म हवा जी छोड़ते हैं, तो उसके बिल्कुल पीछे लगा के रखता था अपनी बाइक बिल्कुल पीछे, मतलब ट्रक से ऐसे, और ब्रेक वगैरह अगर ट्रक ब्रेक लगा रहा है तो मेरे को भी टाइट लगाने पड़ेंगे, तो बिल्कुल एक्टिव रहता था ऐसे चलता ताकि थोड़ी गर्म हवा लगती रहे ठंड ना लगे। ऐसे कर करके मैंने 1.5 साल तक मैंने ऐसे नौकरी करी अपना सारा, बाइक पे जाना बाइक पे आना, हेलमेट लगा के पूरे पूरे दिन ऐसे ही घूमता। चल ठीक है, नौकरी मेरी अच्छी थी, जॉब अच्छी थी, कंसल्टिंग का काम था, पर वो कभी डिटेल में फिर कभी बताऊंगा। तो भाई ऐसे करा ठीक है, 1.5 साल तक ये चलता रहा। फिर साथ साथ मैंने क्या करा, 9 महीने तक, मतलब उस 1.5 साल की नौकरी में 9 महीने तक मैंने यूट्यूब भी करा और वो भी करा साथ में, क्या नाम है, जॉब भी करी। तो उस टाइम ऐसे होता था जब मैं एलविश हन्नी अवनीश हम चारों का मतलब अलग अलग चैनल था ठीक है। उस टाइम पे दिक्कत क्या होती थी, मेरी नौकरी थी, अब ये लोग शायद जॉब वॉब नहीं कर रहे थे इनमें से कोई भी, तो ये अपना घर पे ही थे जैसे भी थे, मतलब या तो कॉलेज वॉलेज चल रहा था या फिर अपने घर पे थे। अब मेरा भाई जॉब वॉब का चक्कर था तो शूट में बड़ी दिक्कत आती थी, मतलब ऐसे होता था कि मैं सुबह सुबह 7 बजे निकलता था और 7 से 9 शूट करा हम चारों ने, और फिर मैं जॉब पे चला गया, और फिर जॉब से मैंने वहाँ बहाना वहाना बना कि मेरे पेट में दर्द है मेरे ये हो रहा वो हो रहा, वहाँ से मैं 4-4:30 तक निकल जाता था, फिर 6-6:30 तक जब तक अंधेरा ना हो तब तक शूट करा, मतलब सुबह की 2 घंटे की रोशनी और शाम की। तो ऐसे कर करके लाइट में, क्योंकि अंधेरे में शूट नहीं कर सकते थे, तो ऐसे ऐसे चक्कर पड़ते थे, बहुत स्ट्रगल मतलब ऐसे रहता था। फिर 9 महीने तक मैंने ऐसे ही चलता रहा, दोनों चीज़ें एक साथ चलती रही। फिर मेरे को जब ऐसा लगा ना कि अब मेरा YouTube पे थोड़ा करियर स्टेबल हो गया है, मतलब जब मैंने पहली ऐड करी थी ना YouTube पे, ब्रांड प्रमोशन जो करते हैं वो पहला करा था, मैंने करा था 12,500 रुपये में, 25,000 रुपये के 2 ब्रांड प्रमोशन मिले थे मेरे को एक साथ, वो करे थे। तो मैंने घर आके बताया मम्मी, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे 25,000 रुपये मिलेंगे 2 ब्रांड वो करने हैं वीडियो। मम्मी कह रही चल पागल कोई झूठ बोल रहा होगा तेरे को ऐसी। मैंने कहा मम्मी सच्ची में मिलेंगे, एडवांस में देगा। मम्मी कह रही लेके देख फिर बात करियो। मैंने कहा उसे दिया अकाउंट डिटेल्स, उसने पैसे डाल दिए। मैंने कहा यार ये तो सही चीज़ है। फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि धीरे 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 करके सारा अपना ब्रांड रेट और जो ये होता है वो बढ़ने लगा। फिर मेरे को लगा कि भाई हाँ यूट्यूब से मैं ठीक ठाक कमा रहा हूँ। फिर मैंने वो जॉब छोड़ी, और उसमें भी मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा सर ऐसा है मैं 3 महीने का रिस्क ले रहा हूँ, अगर मेरा रिस्क सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं वापस आ जाऊँगा तो मेरे को रख लेना। और वो सर इतने बढ़िया थे तो उन्होंने कहा कि तू 3 की जगह 6 का ले ले, अगर कोई दिक्कत होगी तो आ जाइए, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं अगर बढ़िया चल जाए तो। और भाई फिर उसके बाद तो अपना आप लोगों के सामने है ही सारा जर्नी पूरी जो भी थी कि क्या करा कैसे करा। तो मतलब कुल मिला के ये है कि भाई मेहनत करते रहो, और जब तुम्हें लगे ना कि अब सही टाइम है रिस्क लेने का, वो लेना पड़ता ही है, क्योंकि अगर सिर्फ ग्राफ ऐसे ऐसे चलता रहेगा ना तो वो कभी ना कभी तो ऐसे जाएगा ही जाएगा। इसलिए रिस्क लो, उसे ऐसे लाओ, ऐसे ना तो कम से कम थोड़ा थोड़ा करके उठाओ, पर उठाना तो वो तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए बता दिया क्योंकि एक तो मेरे दिमाग में आज सारी चीज़ें आई, वो ठंड लग रही थी तो मेरे को बाइक वाले दिन याद आ गए। फिर मेरे को लगा क्या पता किसी के काम आ जाए भाई, इसलिए बस तुम लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर ली। और कुछ ऐसा कुछ खास था भी नहीं, मैं बाहर जाऊँ अभी, मतलब शाम की मेरे ख्याल में 4:30-5 बज रहे हैं, और बाहर देख के तुम बता नहीं सकते कि आज सुबह के 9 बजे भी ऐसा ही था, 12 बजे भी और 4 बजे भी ऐसा ही है। तो भाई फिलहाल तो मैं कहीं नहीं जा रहा, अपना कंबल में घुस जाता हूँ, इस व्लॉग को एडिट करके डाल देता हूँ। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ठीक है। मेन चैनल की वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी, और मम्मी और के चैनल, मम्मी के चैनल पर दास शर्मा फैमिली पे जतिन ने और मम्मी ने कुछ शूट करा है वो देखना, कुछ इंटरेस्टिंग है मेरे को पता नहीं, मतलब मेरे को पता है क्या है पर जब वीडियो आ जाएगी तभी देखूंगा, मैंने अभी तक देखा नहीं है। फिलहाल के लिए बाय बाय, और बिनो मैं आपको डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।